नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। रविवार को 4 मरीजों के अस्पताल में हुई मौत, मरने वालों की संख्या 17 पर पहुंची। जिले में रिकवर रेट 92.85%। गीतांजलि बार में देर रात तक ग्राहकों को बैठाकर शराब परोसने मामले पर प्रशासन सख्त। प्रशासन ने बार को किया सील, संचालक के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। प्रशासन मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर हुई सख्त। दोबारा पकड़े जाने पर जेल भेजने की दी चेतावनी। और कड़ी धूप के बाद मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ कई स्थानों पर हुई सामान्य बारिश। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में रिकवर रेट 92.85 है। वहीं रविवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। रविवार तक कोरोना की दूसरी लहर में 1,351 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि शनिवार को 201 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। रविवार को 4 मरीजों की मौत हो गई। जिले में रिकवर रेट 92.85 है। इधर आधिकारिक टिनप्लेट अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 2-3 दिनों में बेड रखे जाएंगे। वहीं मर्सी अस्पताल में बारेडी में 35-40 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित मेडिका को पुनः खोलने की तैयारी चल रही है। इधर केंद्रीय सरहुल पूजा समिति जमशेदपुर की ओर से इस साल सरहुल पर्व पर झांकी नहीं निकालने का ऐलान किया गया। सरहुल पूजा समिति के जिला अध्यक्ष राकेश उराव ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समिति की ओर से इस वर्ष पर झांकी नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक तरीके से जाहिर स्थान में पूजा पाठ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज प्रकृति के साधक होते हैं, इस वैश्विक आपदा से प्रकृति ही हमें निजात दिलाएगी। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इस साल ना कोई सभा होना है, ना ही कोई जुलूस निकालना है। ऐसे में आदिवासी समाज भी सरहुल पर कोई झांकी नहीं निकालेगी। उन्होंने जिले के लोगों को सरहुल पर्व की बधाइयां देते हुए घरों में रहकर इसी पर्व को पारंपरिक तरीके से मनाने और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। प्रकृति का महापर्व सरहुल पूजा दिनांक 15 अप्रैल को झारखंड में मनाया जा रहा है और लगातार हो रहे संक्रमण में वृद्धि के कारण समिति जो हर वर्ष इस पूजा के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करती थी, इस वर्ष कोरोना संक्रमण के दौर को देखते हुए इस वर्ष सामूहिक रूप से शोभा यात्रा का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं सभी लोग अपने अपने साधना स्थल जाहिर स्थान पे पारंपरिक पूजा पाठ के साथ पूजा करेंगे और अपने अपने घरों में ही रहकर इस पूजा का हम लोग पूजा को करेंगे। उधर योगा से कोरोना भगाने का उपाय बता रही है कृतिका तिवारी। कई राज्यों से अवार्ड मिल चुका है। योगा शिक्षिका कृतिका तिवारी योगा से कोरोना भगाने का उपाय बता रही है। कृतिका देश के कई राज्यों से अवार्ड हासिल कर चुकी है। कृतिका का कहना है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन का राज है। कृतिका ने योगा के कई उपाय बताए हैं जिससे लोगों को कई लाभ होंगे। ओम सूर्याय नमः। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक। क्या सोच के आई हैं? योगा तो बहुत जरूरी है कोरोना काल में, क्योंकि अभी बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। आप घर पे ही योगा करें और एवरीडे योगा करें,
मैं सबको कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, घर पे सबको कराती हूँ, जो लोग आते हैं अगल बगल सबको मोटिवेट करती हूँ कि आप भी हमारे साथ योगा करें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और मैं कभी अपने जहाँ पे रहती हूँ जमशेदपुर में कम से कम बहुत सारी लोगों को योगा करा चुकी हूँ। और क्या सोच के कोरोना से आप फाइट कर रही हैं योगा के जरिए? मुझे पता है कि उससे हम लड़ सकते हैं कोरोना से, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ सकते कोरोना के द्वारा। शपथ ली है, मैं शपथ ली कि मैं भारत की बेटी हूँ और किसी को कोरोना ऐसा तो नहीं बोले कि होने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि किसी को हो ना कोरोना। वहीं बिष्टुपुर में शनिवार को जिला प्रशासन जांच के लिए पहुंची। बिष्टुपुर मार्केट के अंदर गीतांजलि बार में 8 बजे के बाद लोगों को बैठाकर शराब पिलाया जा रहा था। जिला प्रशासन और पुलिस के पहुंचने पर बार के स्टाफ द्वारा गेट को बंद कर दिया गया, प्रशासन को अंदर नहीं आने दिया गया। उसके बाद जब बार के मालिक ने दरवाजा खोला तो जिला प्रशासन और पुलिस ने पाया कि लोगों को वहां बैठाकर शराब पिलाया जा रहा था और पूछताछ करने पर जेएनएससी के स्पेशल ऑफिसर के साथ दुकानदार ने बदतमीजी की, जिसके कारण सरकारी कार्य में बाधा डालने, बदतमीजी करने और सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उनको बिष्टुपुर थाना भेजा गया। प्रशासन द्वारा उनके लाइसेंस की भी जांच की गई, लेकिन बार के मालिक लाइसेंस दिखाने में विफल हुए और गीतांजलि बार को सील कर दिया गया। कोरोना का गाइडलाइन निकला है राज्य सरकार के द्वारा कि 8 बजे शाम से लेकर के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद रखना है। लगातार चेतावनी और हम लोग समझाने के बावजूद भी कई दुकानदार नहीं समझ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज बिष्टुपुर में एक अवैध रूप से बसे बार रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है, जहां पे लगभग 10 से 15 लोगों को 8:30 बजे शराब पिलाने का काम किया जा रहा था। तो वैसे दुकान को हम लोग आज सील किए हैं और आगे भी अगर इस तरह के कोई दुकानदार नहीं समझेंगे तो उनको भी सील कर दिया जाएगा। अभी उसको सील करने के लिए जहाँ पे अभी शराब जो बेचता था जी उसको अभी सील करेंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद भी अभी 8:30 बजे भी शराब पिलाते हुए पाया गया है और शराब का बोतल वगैरह सब पाए। और ऊपर से जैसे हम लोग पहुँचे तो अंदर से गेट बंद कर दिया और पहले गेट खुला करके वो बहुत सारे लोगों को दारू पिला रहा था, जो उसके बाद में भाग गया लोगों ने। सरकारी कार्य में भी बाधा डालने का कुछ मामला दर्ज किया जाएगा क्या इनके ऊपर? नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं, उसकी अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। उधर शहर में बढ़ते बीमारियों के मद्देनजर शिवाजी संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा वर्ष में 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और गरीबों की मदद करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। सोनारी में रक्तदान शिविर शिवाजी संघ के माध्यम से किया गया, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान शिविर में भाग लिया, जिसमें कभी 100 यूनिट के पार तो कभी कुछ कम रक्त संग्रह किया जाता है। जरूरतमंदों को यह रक्त मुहैया कराया जाता है, जिसे आम गरीब मजबूर को निशुल्क यह रक्त दी जाती है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ब्लड डोनेशन कैंप का, मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं ब्लड डोनेट करूं एंड ऑब्वियसली नर्वसनेस तो मेरे को था कि मेरे को बहुत डर लग रहा था इंजेक्शन से, नीडल से मेरे को डर भी लगता है। आई वुड लाइक रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप आगे आइए ब्लड डोनेट कीजिए, और मैं ये फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, मैं और भी देना चाहती हूँ ब्लड, और ये सबको हेल्प होगा इस चीज़। और हम लोग शिवाजी सेवा सांस्कृतिक संघ की तरफ से पिछले 20 वर्षों से साल में 2 बार हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। यह शिविर हमारा सोनाली में नियमित रूप से होता था, लेकिन वो पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक के चलते पिछले 2 बार से हमको उनसे ब्लड बैंक में करना पड़ रहा है। और जो भी 100 यूनिट 50 यूनिट या 150 यूनिट जो भी होता है वो हम लोग ब्लड बैंक को दे देते हैं। और इसमें खास करके जो भी गरीब और निडी जो भी
जरूरत पड़ता है उसको हम लोग प्रदान किए हुए दे रहे हैं। रात बिरात किसी को भी जरूरत घंटा में किसी को भी जरूरत पड़ता है कोजरी जी को बोला हुआ है हमारी संस्था की तरफ से। साथ ही आपको बता दें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि सह पश्चिम विधानसभा विधायक के प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष एवं कोविड 19 निगरानी समिति के सदस्य अंसार खान के नेतृत्व में आजाद नगर के गांधी मैदान सब्जी मार्केट में मास्क वितरण किया गया। अंसार खान ने गांधी मैदान में हर दुकानदार को समझाते हुए कहा कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने हुए दुकान यहां ना लगाए और बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को कोई सामान ना दे और डिस्टेंस का पालन करे। अंसार खान ने कहा मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय मास्क जांच अभियान लगातार चला रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आज देखा गया काफी दुकानदार बिना मास्क पहने हुए दुकान लगाए हुए हैं। जो ग्राहक है कोई साइकिल से आ रहा है, मोटरसाइकिल से, ऑटो रिक्शा, कोई पैदल आ रहा है, वह लोग भी बिना मास्क पहने खरीदारी कर रहे हैं। अंसार खान ने कहा कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जिससे कोरोना से बचाव हो सके। अगर ऐसा रहा तो जमशेदपुर में कोरोना महामारी का दूसरा लहर खतरनाक व घातक साबित हो सकता है। ऐसे में लोग बिना मास्क के घर से ना निकले। अंसार खान ने हर दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनाया और मास्क भी बांटा गया। अंसार खान ने हर दुकानदार और ग्राहकों को अच्छी तरह समझाते हुए आगाह किया कि आप भी सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखें और आने वाले लोगों को भी सुरक्षित रखिए। रानी मैदान रोड नंबर 2 और में जो मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर मास्क हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर बांटा गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जमशेदपुर में ये महाकाल जो एक बीमारी है, इतने लोग परेशान हैं लेकिन यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में पता नहीं क्या बैठा हुआ है। बिना मास्क के सब्जी बेच रहे हैं, बिना मास्क के सब्जी खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। उनको मास्क देते हुए हर किसी को समझाया गया है, क्या नाम है, झारखंड सरकार द्वारा और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के भी द्वारा और ये कहा गया बिना मास्क से घर से बाहर ना निकले। और जानलेवा वायरस कोरोना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जमशेदपुर के कई स्थानों पर युद्ध स्तर पर कोरोना जांच और मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सांची, बिष्टपुर, कदमा सहित मानगो में कोरोना जांच दिखा, जहां सड़कों पर प्रशासन बाइक, ऑटो और अन्य साधनों से जा रहे लोगों का मास्क जांच कर रही है। साथ ही मानगो नगर पालिका में कोरोना जांच अभियान किया गया, जहां मानगो नगर पालिका के स्पेशल अफसर ने बताया ये जांच बहुत जरूरी है जिससे पता चलेगा कि कोरोना किसे है और उसका इलाज हो सके ताकि कोरोना पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। टेस्टिंग आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये लगातार प्रक्रिया है जो हम लोग करते जा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन लोगों को हम लोग सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनका एक बार हम लोग टेस्ट कराते रहे हैं ताकि इससे पता चल जाए हम लोग कि पॉजिटिव है नहीं। तो बेसिकली यही चीज़ हम लोग का चल रहा है और अभी हम लोग ये लगातार करते हैं। कितने का टारगेट लिए, कितने आदमी का? देखिए टारगेट क्या है, टारगेट अगर ऐसा टारगेट मारिए तो वो हम लोग 400 करेंगे, ठीक है। लेकिन यही है, बेसिक चीज़ यही है कि जहाँ जितने लोग समझ में आ रहा है कि वो ससेप्टेबल है उनका पूरा टेस्ट हो जाए और उससे वस्तु स्थिति पता चल जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना
का जो अभी फिगर जो है वो डेली इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए पूरी प्रिकॉशनरी मेजर ली जा रही है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान, द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेसियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता, द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर, 832110। फोन नंबर 6206054568, 7050341215। हाय, दिस इज मैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला खरसवा आदित्यपुर 23 वार्ड पार्षद जूली महतो ने 7,75,298 रुपए की लागत से सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 23 की पार्षद जूली महतो ने रविवार को 7,75,298 रुपए की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर वार्ड की दर्जनों महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। दीप फैब्रिकेशन की ओर से इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। पार्षद जूली महतो ने बताया कि गणेशकांत दुबे के घर से श्रीनाथ ग्लोबल विलेज गेट तक सड़क के लिए काफी दिनों से जनता मांग कर रही थी, जो अब पूरा हो सका है। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के भीतर सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। उधर सड़क के शिलान्यास होते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया, लोगों ने पार्षद के प्रति आभार प्रकट की। आइए आप लोग भी सब लोग। नंबर 23 की वार्ड पार्षद हूँ। ये कल्पनापुरी में आपका एक कच्चा रोड है, बहुत सालों से पड़ा हुआ है, जो कि दीप फैब्रिकेशन संवेदक द्वारा रमाकांत दुबे के घर से लेकर ग्लोबल विलेज के गेट तक इस रोड का निर्माण का कार्य आज शिलान्यास द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा उपस्थिति में संपन्न किया गया। और ये रोड के बन जाने से एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि इधर से लोगों को आने जाने में, यातायात में बहुत सारी सुविधाएं हो जाएगी। बस इसी तरह कितने दिनों में बनना है इसको? ये सप्ताह भर के अंदर बन जाएगी, ये पीसीसी रोड है। इधर जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत काशीडीह लाइन नंबर 5 में ईसाई समुदाय द्वारा प्रेयर किया जा रहा था, तभी विश्व हिंदू परिषद के लोग आधम के और ईसाई समाज के लोगों पर कुछ लोगों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। वैसे मामला बिगड़ते देख दोनों पक्षों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। उधर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आरोप लगाया है कि 100 की संख्या में पहुंचे लोगों को ईसाई समुदाय द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। वहीं ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है, यह धर्म परिवर्तन नहीं, प्रत्येक रविवार को प्रेयर होता है और इसी प्रेयर में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हो गए हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, हम उन्हें भगा नहीं सकते और धर्म परिवर्तन की कोई बात ही नहीं। हालांकि पुलिस ने ईसाई समुदाय के बात को सही मानते हुए थाना से छोड़ दिया है। बड़ा भीड़ तो छितरा गई है, कोरोना कोरोना अंदर घुसा हुआ देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक आदमी
उधर जमशेदपुर और पोटका प्रखंड में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, छाया अंधेरा। अचानक रविवार 3 बजे पोटका प्रखंड समेत कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। पिछले कई दिनों से काफी गर्मी बढ़ गई थी, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। वहीं रविवार को बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। बारिश के साथ आंधी भी थी और तेज हवा भी बही। और भाजपा राजनगर प्रखंड पूर्वी भाग के अंतर्गत हेसल बाजार में शनिवार मंडल अध्यक्ष खिरोद महतो की अध्यक्षता में 3 मोर्चा की कमेटी की घोषणा हुई और तीनों मोर्चा के मंडल अध्यक्षों ने अपने अपने प्रखंड कमेटी की टीमों की घोषणा की, जिसमें से युवा मोर्चा के अमरनाथ गोप, एससी मोर्चा चंदन कहार, एसटी मोर्चा सुशील कुमार हंसदा, तीनों मोर्चा के प्रखंड के पदाधिकारियों ने कमेटी का विस्तार किया और आगामी बैठक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी एवं सदस्यों का स्वागत और सम्मानित करने की बात कही। वहीं इस मौके पर जिला मंत्री कुबेरकांत साडंगी, प्रखंड महामंत्री उज्जवल मोदक, कोषाध्यक्ष अजीत मंडल, उपाध्यक्ष संटू नायक समेत तीनों मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी राजनगर प्रखंड पूर्वी की ओर से आज तीनों मोर्चा का विस्तार किया गया है, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा का। और तीनों मोर्चा का हमें उम्मीद है कि संगठन में जिन जिन को दायित्व दिया गया है वो आने वाला विधानसभा चुनाव में बखूबी से अपना दायित्व निभाएंगे और प्रखंड मजबूत होगा और प्रखंड अगर मजबूत होगा तो जिला भी मजबूत हो जाएगा, जिसे हमारा सरायकेला विधानसभा जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और वहीं पोटका तेतला गेस्ट हाउस में झामुमो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद विधायक संजीव सरदार ने किया, जिसमें विकास के बारे में चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर झामुमो के प्रखंड और पंचायत कमेटी के मुख्य सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। विधायक संजीव सरदार ने क्षेत्र के विकास के बारे में कई चर्चा कार्यकर्ताओं से की और साथ ही साथ क्षेत्र में विकास तेजी से कैसे की जाए कार्यकर्ताओं से उनकी राय भी ली। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि रविवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास से संबंधित राय कार्यकर्ताओं से लिया गया। साथ ही हर क्षेत्रों में तेजी से विकास हो और गर्मी को देखते हुए क्षेत्र में खराब चापाकल की मरम्मत जल्द की जाए, इस पर भी चर्चा की गई। शानदार कलेक्शन करके चापाकल बनाने का काम किया है। हमारा हाथीबिना पंचायत में राजस्व गाँव 8 आते हैं और 8 गाँव में 12 टोला भी आते हैं और हमारा पंचायत का जनसंख्या 7,467 है। बात है अभी फिलहाल हमारी विधायकों का आज हम लोग कुछ औपचारिकता हम लोग कुछ बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो वर्तमान कूनों कि हमारा राज्य में जो कोरोना कोविड के पेशेंट के मरीज की संख्या बढ़ रहा है, उससे हम लोग कैसे बचा पाएँ, कैसे लोगों तक पहुंचा पाएँ, जागरूक कर पाएंगे, उसके लिए आज हम लोग
उत्तराखंड के सभी नेता लोग के साथ अच्छे नेता लोगों के साथ बैठक करके इसका रूपरेखा तय करके हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि इस जो इस समय ताकि हमारे लोग इस कोविड कोरोना 19 से बीमारी से हम लोग बचे, और साथ साथ जो भी क्षेत्र के विकास से संबंधित काम है, चाहे अभी वर्तमान गर्मी को देखते हुए चापाकल की व्यवस्था, चापाकल की मरम्मत के बारे में हो, और क्षेत्र में कोई कैसा समस्या है समस्या में भी अगर हम लोग बात विचार करें तो उसका भी बहुत जल्द हल कर जाए। इधर पोटका हाता के समीप मुख्य पथ पर बने पुलिया का ढलाई निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब जल्द दौड़ेंगी यहां गाड़ियां। बताया जा रहा है यह उड़ीसा टाटा मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग से हजारों वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। पिछले कई महीनों से यह जर्जर पुल का नया निर्माण हो रहा है। यह पुल बन जाने से आम जनता और बड़े वाहन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। रविवार को 4 मरीजों के अस्पताल में हुई मौत, मरने वालों की संख्या 17 पर पहुंची। जिले में रिकवर रेट 92.85%। गीतांजलि बार में देर रात तक ग्राहकों को बैठाकर शराब परोसने मामले पर प्रशासन सख्त, प्रशासन ने बार को किया सील, संचालक के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। प्रशासन मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर हुई सख्त, दोबारा पकड़े जाने पर जेल भेजने की दी चेतावनी। और कड़ी धूप के बाद मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ कई स्थानों पर हुई सामान्य बारिश। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।